हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट। दिस इज द थर्ड लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकल मेथड। अर्लियर टू दिस लेक्चर, इन द लेक्चर नंबर 1 एंड 2, वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, वी डिस्कस वाई दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, बिकॉज वी सॉल्व टू न्यूमेरिकल and with the help of that numerical we understood the basic theory of this operation research. The topic covered in the first two lecture was introduction, application, scope of operation research, why it is called optimization technique, and various characteristics of this subject operation research. Now come to the AKTU syllabus. In this syllabus, unit 1, there is a topic LPP. यूनिट वन में जो टॉपिक है आपका LPP भी है। LPP स्टैंड फॉर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो दिस LPP कैन बी सॉल्व बाय टू मेथड, वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स वन इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड वन इज सिंप्लेक्स मेथड। तो इन दिस लेक्चर वी विल सी द ग्राफिकल मेथड। नाउ दिस टेक्निक इज यूज्ड This technique is linear programming problem. This technique is used to find a solution for optimizing a given objective. Objective may be maximizing or minimizing. तो ये हमने देखा था numerical में, अगर profit है तो maximize करना है, minimize कैसे करना है, operating cost अगर कोई खर्चा हो रहा है company में तो operating cost को minimize करना है। Objective function and boundary conditions are linear in nature. तो जितने भी numerical हमने पहले देखे थे दोनों lecture में, कहीं भी square या quadratic term नहीं, क्यूबिक टर्म नहीं आ रही थी। ऑल द इक्वेशंस आर सिंपली द इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन हो या फिर कंस्ट्रेंट की इक्वेशन हो। LPP टेक्निक सॉल्व प्रोडक्ट मिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। तो ये एग्जांपल है, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्टेड ऑफ अदर देन दिस टू प्रॉब्लम देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। व्हेन यू सी द बुक हिरण गुप्ता या अदर बुक, यू विल फाइंड देयर आर lots of cases in problem formulation. ठीक है, it also used to allocate scarce resources in optimum manner in the problem of scheduling and product mix etc. ठीक है, तो बहुत सारे application हमने पहले ही lecture number 2 में discuss कर लिए थे। Now what are the process in this LPP problem? First is writing the descriptive problem statement into the mathematical form is called problem formulation. तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करनी है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेट का मतलब क्या है कि हमें प्रॉब्लम को बनाना है, हमें प्रॉब्लम की इक्वेशन बनानी है। जैसे हमने देखा था पहले जो क्वेश्चन जो दे रखा था उसमें हमें मिठाई के अगर दो पीस बनाने हैं, ए और बी अगर पीस बनाने हैं, तो कौन सी मिठाई के हम कितने डिब्बे बनाएँ सो देट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। तो ये हमें फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मुलेट किसकी टर्म में करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाना पड़ेगा और हमें कंस्ट्रेंट भी लिखने पड़ेंगे, लिमिटेशन भी लिखनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट वी नीड टू डू डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करना है। जैसे कोई कंपनी अगर M1 और M2 प्रोडक्ट बना रही है तो दिस आर द डिसीजन वेरिएबल। राइटिंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। राइटिंग द कंस्ट्रेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, तो लेथ मशीन कितने घंटे के लिए अवेलेबल है, इन सबको मिलाकर आपने एक इक्वेशन बनानी है। राइटिंग द नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, तो नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इट्स का मतलब ये, जो भी आपका डिसीजन वेरिएबल है, लेट अस से X1 एंड X2 और लेट अस से अगर तीन है तो X3, अगर जो भी डिसीजन वेरिएबल है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, तीसरा वेरिएबल इसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम ग्राफिकल की अब बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल में केवल जहाँ पर दो वेरिएबल होंगे वही प्रॉब्लम मैं ग्राफिकल से सॉल्व कर सकता हूँ। If the variables are more than two, then I have to go for simplex method, which is the other part of this unit number 1. ठीक है, non-negativity condition का मतलब ये है कि हम हमेशा जो अपना answer है we will seek in the first quadrant. तो first quadrant में ही आ रहा है, second और third quadrant में answer नहीं आएगा। तो this is a mandatory non-negativity condition for all the decision variable. तो let us say question number 1. अच्छा, इस question से करने से पहले Let us take a simple question. See,
दिस पीडीएफ नोट्स इज ऑलरेडी शेयर इन द गूगल क्लासरूम। इसमें थ्योरी को मैं स्किप कर दे रहा हूँ अभी, आई एम स्किपिंग द थ्योरी। इन बिटवीन द न्यूमेरिकल यू विल अंडरस्टैंड द थ्योरेटिकल पोर्शन ऑल्सो। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम लाइक ग्राफिकल मेथड मिनिमाइजेशन ऑफ जेड 20x1 + 10x। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन एक आसान सा मैं ले रहा हूँ। इसमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर रखी है, ऑलरेडी हमें प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करके दे रखा है। यहाँ केवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। एक स्टेप बच गया, अगर यहाँ पर इक्वेशन आपको दे रखे हैं एग्जाम में, यानी यू डू नॉट नीड टू डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो दिस मिनिमाइजेशन ऑफ जेड सब्जेक्टेड टू 20x1 + 10x2 सब्जेक्टेड टू कंडीशन x1 + 2x2 ≤ 40, 43x1 + x2 ≤ 30, 4x1 + 3x2 ≥ 60, एंड दिस आर द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन x1 x2 ≥ 0। नाउ जैसा कि हमने पहले भी किया था, दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन 1, दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन 2, दिस इज कंस्ट्रेंट इक्वेशन 3। तो तीनों को ही मिला के हमने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकाल देने। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, व्हेन वी कन्वर्ट व्हेन वी रिमूव दिस इनइक्वालिटी वी कैन कंसिडर दिस एज ए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है तो कोई भी दो पॉइंट्स चाहिए तभी आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। तो दो पॉइंट्स के लिए क्या करना है, एक बार x2 को जीरो कर दो, एक बार x1 को जीरो कर दो। अगर x2 को जीरो कर देंगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है, और अगर x1 को जीरो कर देंगे तो x2 की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ पर ये हाइड हो गया 0, 20 एंड 40, 0। तो ये दो पॉइंट्स आ गए, 0, 20 एंड 40, 0। इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 में भी ये करेंगे, x1 और x2 को बारी बारी एक एक करके जीरो कर देंगे, वी विल गेट 0, 30, 10, 0। इक्वेशन नंबर 3 में भी ऐसे ही करेंगे, एक बार x1 और एक बार x2 जीरो कर देंगे, वी विल गेट 0, 20 एंड 15, 0। तो तीन इक्वेशन आ गई, जो पॉइंट्स आए हमारे पास 0, 20, 0, 20 ये वाला पॉइंट हो गया, 40, 0 ये वाला पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से हमने 0, 30, 10, 0, 0, 30, 10, 0 इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें इक्वेशन नंबर 2 आ गई, और उसके बाद 0, 20 और 15, 0, 15, 0 ये इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी नीड टू सी व्हाट इज द टाइप ऑफ इनइक्वालिटी इन द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। तो यू कैन सी इन द इक्वेशन नंबर 1 देयर इज लेस देन इनइक्वालिटी, इन इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देयर आर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी। तो फॉर द लेस देन इक्वालिटी वी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। अगर कोई इक्वेशन है उसकी इनइक्वालिटी अगर लेस देन है तो वी विल ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द ओरिजिन। क्या मतलब हुआ इसका, वी ऑलवेज सर्च फॉर द फिजिबल रीजन। तो ये जो इक्वेशन नंबर वन है ये तो हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ कर ली, अब हमें फिजिबल रीजन चाहिए, यानी इसका फिजिबल रीजन क्या होगा इस इक्वेशन, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द ओरिजन, वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द ओरिजन, यानी ओरिजन की तरफ जाना है, टुवर्ड्स द ओरिजन। बस ये दो वर्ड्स याद कर लो आप, टुवर्ड्स द ओरिजन एंड अवे फ्रॉम द ओरिजन, अवे फ्रॉम द ओरिजन, ये दो वर्ड्स आप याद कर लो, ये कभी भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर लेस देन इक्वालिटी है तो हमें ओरिजिन की तरफ जाना है, और अगर ग्रेटर देन इनइक्वालिटी है तो हमें ओरिजिन से दूर जाना है, ठीक है। अब ओरिजिन क्या है हमारा, ये ओरिजिन है, जब हम ओरिजिन की तरफ जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो फिजिबल रीजन हो जाएगा, ठीक है। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है ओ बी, लेट अस से इसको मैंने ई नाम दे दिया ओ बी ई, ये जो पॉइंट बन रहा है ये पूरा फिजिबल रीजन हो जाएगा। नाउ इन द सेकेंड कंस्ट्रेंट ये कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वालिटी है, यानी इक्वेशन नंबर 2 जो है, इक्वेशन नंबर 2 में मैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाऊंगा, यहाँ यू कैन सी दिस एरो, ये जो एरो पॉइंट आउट हो रहा है, आई विल गो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। जब मैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाऊंगा तो ये जो इन दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग एरिया क्या हो जाएगा, दिस विल बी अवर कॉमन इंटरसेक्टिंग एरिया। अब ये जो स्टार्टिंग में जो आ रहा था एरिया वो कम हो जाएगा, जैसे हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन करते थे
जैसे दो दो सर्किल हैं, इनका कॉमन एरिया क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, दिस इज अवर कॉमन एरिया। ऐसी दो लाइनें हैं, उन दो लाइन का अगर हम ग्रेटर देन और लेस देन दोनों इक्वलिटी को देख रहे हैं तो अब ये फिजिबल रीजन हो गया। तीसरी इक्वेशन को और देखना है हमें, ग्रेटर देन, तो थर्ड इक्वेशन का कॉमन एरिया ऊपर हो गया। नौ तीनों का मिला के ये ऊपर ऊपर क्यों, एरो ऊपर क्यों क्यों गया थर्ड इक्वेशन का, बिकॉज वी मूव अवे फ्रॉम द ओरिजन। तो तीनों ही रीजन का, तीनों ही स्ट्रेट लाइन का जो कॉमन एरिया है, जो कि हैचिंग से दिखा रखा है यहाँ, वो कैसे आएगा, व्हेन वी क्लोजली ऑब्जर्व द इक्वलिटी साइन, लेस देन और ग्रेटर देन को हम ऑब्जर्व करेंगे और उसकी हेल्प से या तो ग्राफ पेपर पे करने के बाद उसे इरेजर से इरेज कर देंगे, या फिर आप उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मनी मन में आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका पहली लाइन इतना एरिया घेर रहा है, दूसरी लाइन कितना एरिया घेर रहा है, तो वो आप देख सकते हो, ठीक है। नाउ नाउ दिस इज द कॉमन फिजिबल रीजन, तीनों इक्वेशन के बाद आया। नाउ इन दिस कॉमन फिजिबल रीजन वी विल सी द कॉर्नर पॉइंट्स। तो व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स, दिस ए इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस डी इज द कॉर्नर पॉइंट, दिस सी इज द कॉर्नर पॉइंट एंड बी इज द कॉर्नर पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, हम केवल चार, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं इस फिजिबल रीजन में, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ऐसे करो 100, 200, 300 पॉइंट्स तो हैं, सारे पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम केवल कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ए डी सी एंड बी। अच्छा, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है 15, 0, बी के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बी के कोऑर्डिनेट भी हमें मालूम है 40, 0। सी और डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, सी और डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली दिस डी इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का डायरेक्ट कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे हम, तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जब हम ये दोनों इक्वेशन डालेंगे तो दोनों x1 और x2 की वैल्यू निकल आएगी, तो d का पॉइंट हो जाएंगे 6 एंड 12। और c के पॉइंट्स निकालने हैं तो c को हम देखेंगे, इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कैलकुलेटर से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सी के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। नाउ वी कैन सी ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो हम जेड की वैल्यू निकाल लें। तो जेड की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी थी, जेड वाज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमाइज करना था हमें 20x1 + 10x2, 20x1 + 10x2। तो x1 की वैल्यू एक बार 15 रख दी, 0 रख दी, फिर एक बार 40 रख दी, 40 रख दी, 0 रख दी, 4.8 एंड 6.21, ठीक है। तो ये एक बार हम इक्वेशन जो है इसकी वैल्यू पुट करके z की वैल्यू निकाली, वी विल सी द वैल्यू मिनिमम जो z की आ रही है वो पॉइंट नंबर d पे आ रही है। तो पॉइंट नंबर d पे अब हमारा आंसर जो है वो पॉइंट नंबर d पे लाई कर रहा है, इट मीन्स x1 इज इक्वल टू 6 एंड x2 इज इक्वल टू 12, दिस इज आवर आंसर, एंड z इज इक्वल टू 240। यानी अगर आप कोई कंपनी है, अगर x1 अगर 6 प्रोडक्ट बना रही है, x2 अगर 12 प्रोडक्ट बना रही है, तो ये प्रोडक्ट बनाने पे ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो, ये दोनों प्रोडक्ट बनाने पे उसे ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो सबसे कम लग रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया एक सिंपल सी प्रॉब्लम, ठीक है। तो मेनली आपको ये देखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वलिटी है या लेस देन इक्वलिटी है। ग्रेटर देन है तो टुवार्ड्स द ओरिजिन मूव करना है, फिजिबल रीजन हमें, वी ऑलवेज सर्च अ फिजिबल रीजन, तो हमें टुवार्ड्स द ओरिजिन मूव करना है। और अगर ग्रेटर देन है तो हमें अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से हमें दूर भागना है, एरो हमें बहुत ध्यान से लगे हैं, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से करने हैं। We will see another problem. So let us see. एक कोई कंपनी है एबीसी, उसका इट इज हैविंग टू प्लांट्स, प्लांट नंबर एल, प्लांट नंबर एम। तो लेट अस से एक प्लांट लुधियाना में है, लेट अस से दूसरा प्लांट मोहन नगर में है। ईच प्लांट प्रोड्यूसर थ्री ब्रांड्स ऑफ फ्रूट्स, तीन तरीके के प्रोडक्ट बन रहे हैं, एल में भी और एम में भी, फ्रूटी, सिंपली ऑरेंज एंड ट्रॉपिकाना। नंबर ऑफ बटर्स प्रोड्यूस पर डे डिमांड ऑफ ईच ब्रांड फॉर द मंथ ऑफ जून एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ ईच प्लांट आर गिवन बिलो।
तो इस प्रॉब्लम में आपको पहले प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करनी है। यहाँ दो स्टेप हैं, यहाँ एक स्टेप नहीं, यहाँ दो स्टेप हैं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो गई। पहले आपको वो इक्वेशंस बनानी है मैक्सिमाइजेशन की या मिनिमाइजेशन की, पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है, फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशन बनानी है। तो ये थोड़ा सा सोचना है इस क्वेश्चन में कि कहीं गलत ना बन जाए। आपको इक्वलिटी भी ध्यान में रखनी है कि लेस देन इक्वलिटी रखनी है या ग्रेटर देन इक्वलिटी रखनी है, मिनिमाइजेशन रखना है या मैक्सिमाइजेशन रखना है, ये क्वेश्चन देख के आपको जज करना है। तो पहला स्टेप हो गया प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन और दूसरा स्टेप हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड से ही करेंगे। तो डिटेल दे रखी है, प्लांट नंबर एल यानी लुधियाना वाले प्लांट में ट्रॉपिकाना 1500 बन पा रहे हैं, ऑरेंज जूस 3000 बन रहे हैं, फ्रूटी 2000 पैकेट बन रहे हैं। मोहन नगर वाले प्लांट में ट्रॉपिकाना 1500, ऑरेंज जूस 1000 और फ्रूटी 5000। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर डे, तो लुधियाना वाले प्लांट को चलाने में 600 रुपये पर डे या मे बी इट विल बी इन टर्म्स ऑफ 1000, लेकिन यहाँ हमें यूनिट दे रखे हैं 600। तो लेटेस्ट से 600 यूनिट खर्च हो रहे हैं हमारे, 600 रुपये खर्च हो रहे हैं, और मोहन नगर प्लांट को चलाने के लिए हमें 400 रुपये खर्च हो रहे हैं पर डे। डिमांड जो है, डिमांड ऑफ ईच ब्रांड, ट्रॉपिकाना की डिमांड जो है वो 20,000 है, 20,000 डिमांड दे रखी है फॉर द मंथ ऑफ जून, पूरे मंथ की दे रखी है, ठीक है, पर डे नहीं है ये। इसमें बहुत ध्यान रखना है आपको, पर डे या पर वीक या पर मंथ क्या फ्रिक्वेंसी है ये बहुत ध्यान से देखनी है आपको प्रॉब्लम। तो ये पर मंथ दे रखी है यानी पूरे के पूरे जून में 20,000 पैकेट जो है ट्रॉपिकाना जूस के बिक जाते हैं, ऑरेंज जूस के 40,000 पैकेट बिक जाते हैं, फ्रूटी के 44,000 पैकेट बिक जाते हैं। तो हमें ये देखना है कि ट्रॉपिकाना के प्रोडक्ट एल में कितने बनाए और एम में कितने बनाए, सो दैट उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कम से कम खर्च हो। यानी जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइजेशन का है, फॉर हाउ मेनी डेज ईच प्लांट विल बी रन इन द मंथ ऑफ जून सो एज टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन कॉस्ट वाइल मीटिंग द मार्केटिंग डिमांड। तो हमें ये बताना है कि प्रोडक्ट नंबर मतलब प्लांट नंबर एल लुधियाना वाले प्लांट को कितने दिन चलाएं, मोहन नगर वाले प्लांट को कितने दिन चलाएं। लेट अस से जून का महीना 30 डेज का होता है, तो 10 दिन के लिए लुधियाना वाला प्लांट चला दूं मैं, 15 दिन के लिए मोहन नगर वाला प्लांट चला दूं, कितने दिन के लिए चलाऊं कि मेरा कोई लॉस ना हो। मतलब ये जो डिमांड है ऐसा ना हो कि मार्केट में डिमांड है 20,000 रुपये की, 20,000 प्रोडक्ट की है और मैंने दोनों प्लांट कंजूसी कर दी, मैंने कम कम दिन चलाया और वो ट्रॉपिकाना केवल 19,000 ही बन पाए। तो ऐसा नहीं करना है, मुझे ये डिसाइड करना है कि कितने दिन चलाऊं मैं प्लांट, क्योंकि प्लांट की भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इस बात को भी मुझे ध्यान में रखना है, दोनों ही बातों को ध्यान में रखना है कि डिमांड भी फुलफिल हो जाए और जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज हो जाए। तो दिस आई विल डू बाई प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टेप। लेट X1 इज द नंबर ऑफ डेज इन जून प्लांट एल ऑपरेट्स, X2 आर द नंबर ऑफ डेज इन जून प्लांट एम ऑपरेट्स। तो हमने X1 और X2 नंबर ऑफ डेज मान लिए, इट कुड बी X1 हो सकता है 15 दिन हो सकता है, X2 हो सकता है 20 या 25 दिन हो सकता है, ठीक है, वट एवर जो आंसर निकलने के बाद आएगा। लेट जेड विद द टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मीट द मार्केट डिमांड। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर मैं X1 अगर मैं 15 दिन के लिए चला रहा हूँ एल प्लांट, तो ये हो जाएगा 600 × X1, इतना टोटल खर्चा चल रहा है मुझे पूरे महीने में प्लांट लुधियाना वाले प्लांट को चलाने में। और अगर मैं इसको कर दूँ, इसको मैं X2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 400 को, तो ये टोटल मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। इतनी ऑपरेटिंग कॉस्ट लग रही है मुझे दोनों प्लांट को चलाने में, इतना खर्चा आ रहा है। डिमांड ऑफ द ट्रॉपिकाना जूस, तो यहाँ बहुत ध्यान रखना है जो डिमांड है आपकी। अगर मैं X1 प्लांट नंबर ऑफ डेज अगर मैं 15 दिन चलाता हूँ एल प्लांट और 15 दिन चलाता हूँ या 20 दिन चलाता हूँ एम प्लांट, तो दोनों को जो एडिशन है, ठीक है, यहाँ पर क्या इक्वलिटी आएगी, लेस देन आएगी या ग्रेटर देन आएगी, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। डिमांड जो है अगर 19,000 अगर मैं 19,000 बना रहा हूँ प्रोडक्ट, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं लेस देन और इक्वल टू लगा दूंगा तो वो प्लांट इस तरीके से कैलकुलेशन करेगा, या तो 20,000 बनाएगा ट्रॉपिकाना या 20,000 से कम बनाएगा, लेकिन 20,000 से कम तो डिजायरेबल है नहीं। अगर 20,000 से कम उसने बनाया, अगर 19,500 भी बनाया, तो 500 जो ट्रॉपिकाना जूस बिक सकते थे उसका मुझे नुकसान हो गया।
तो यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट लगेगा वो ग्रेटर देन वाला लगेगा। इसी तरीके से बाकी की दो कंडीशन में मुझे सिंपली ऑरेंज जूस की जो डिमांड है वो पूरी की पूरी फिलफिल करनी है, यानी मैं 40,000 से कम प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन 40,000। इसी तरीके से फ्रूटी की जो डिमांड है 44,000 है, यानी फ्रूटी जो है मुझे 44,000 से ज़्यादा बनानी है। 44,000 से ज़्यादा मतलब 45 बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं बननी चाहिए। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डिमांड। और इस डिमांड को ध्यान में रखते हुए जो मैंने कंस्ट्रेंट लगाए तीनों ही इनइक्वालिटी में वो ग्रेटर देन वाले कंस्ट्रेंट लगा दिए। ठीक है, हो गया यहाँ तक प्रॉब्लम का फॉर्मुलेशन, हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने बना लिया, तीनों हमने कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिख ली, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, तीन कंस्ट्रेंट इक्वेशन आ गए। अब तीनों कंस्ट्रेंट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो वही हमने स्टेप किया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। एक्स टू को मैंने 0 कर दिया, एक्स वन की वैल्यू आ गई 13.33, एक्स वन को मैंने 0 कर दिया, एक्स टू की वैल्यू आ गई 13.33। ठीक है, इसी तरीके से मैंने रिस्पेक्टिवली 2 और 3 के इक्वेशन नंबर 2 और 3 के भी मैंने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ कर लिए। तो अच्छा, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो कोऑर्डिनेट आप सी ग्राफिकल मेथड का मतलब ये है कि यू शुड हैव ग्राफ पेपर इन योर हैंड, बट एक्चुअल में ग्राफ पेपर क्योंकि हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, हमने जो इक्वेशन निकाली है वो हमने कैलकुलेटर से ही सॉल्व करके एक्स वन एंड एक्स टू की वैल्यू निकाली थी। तो जनरली होता क्या है कि एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर मिलता तो है, एग्ज़ाम में पीछे वाली कॉपी पे बना होता है, लेकिन जनरली बच्चे जो हैं वो पेन से ही बना लेते हैं, अप्रोक्सीमेट स्केल लेके, जो भी स्केल है 10, 20, 30 का स्केल लेके, और अप्रोक्सीमेटली लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ पेपर पे कोई भी ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व नहीं करता है। तो अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट बनाना है आपने, कॉपी पेन पे अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट बनाना है। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, बाद में हम थ्योरी देखेंगे इसकी। ये तीनों इक्वेशन हमने ड्रॉ कर ली, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, 0.33.33 और 33.33.0 आ रहा था। दिस इज इक्वेशन नंबर 0.40, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और जो तीसरी इक्वेशन जो बची ये इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों इक्वेशन को मैंने ड्रॉ कर लिया ग्राफ पेपर पे या फिर अपने कॉपी पेन से स्केल से ड्रॉ कर लिया। नाउ तीनों ही इक्वेशन में जो जो कंस्ट्रेंट था, इनइक्वालिटी थी, वो ग्रेटर देन वाली थी। ग्रेटर देन वाली थी इट मींस वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम द ओरिजन। जैसे अगर ये हमारा ओरिजन है, ठीक है, तो हमें ओरिजन से दूर भागना है। ठीक है, तो लेट अस से इक्वेशन नंबर 1, ओरिजिन से दूर भागेंगे तो इससे ऊपर वाला एरिया कब पूरा कवर हो जाएगा, ये एरिया पूरा ऊपर वाला ये सब कवर हो जाएगा अगर हम ओरिजिन से दूर भागेंगे फॉर द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बट जैसे इक्वेशन नंबर 2 ड्रॉ करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 का ये जो इतना जो पोर्शन है वो सब कॉमन नहीं आएगा ना। इक्वेशन नंबर 2 में ये फिल्टर, ये थोड़ा फिल्टर हो गया फिजिबल रीजन। इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ से स्टार्ट हुई इक्वेशन नंबर 3, तो हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों में ही ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट था, और जब हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन जा रहे थे तो दिस पर्पल कलर, जो पर्पल कलर मैंने दिखाया है यहाँ पर, दिस इज द फिजिबल रीजन, ये फिजिबल एरिया हो गया। यानी हम जो आंसर की जो तलाश कर रहे हैं, हम तलाश क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली वांट टू नो द वैल्यू ऑफ एक्स वन और एक्स टू, इन दोनों की वैल्यू हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो x1 और x2 की जो वैल्यू है वो इसी पर्पल कलर वाले रीजन में निकालूंगा, यही रीजन जो है वो। अच्छा, ये रीजन बेसिकली इनफाइनाइट तक जा रहा है, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व दिस रीजन इज गोइंग इनटू द इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट तक जाने की जरूरत नहीं है, जो कंसेप्ट हमारा रहता है वी ऑलवेज चेक दिस एट द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गए, एक तो ये हो गया कॉर्नर पॉइंट 0.40, तो ये हो गया पहला कॉर्नर पॉइंट 0.40। एक कॉर्नर पॉइंट ये हो गया हमारा 22.0, तो दूसरा कॉर्नर पॉइंट हो गया 22.0, और तीसरा कॉर्नर पॉइंट ये हो गया जो कि ये ब्लू कलर से सर्किल हो रखा है। अब जो तीसरा कॉर्नर पॉइंट है किसका इंटरसेक्शन है, ये इक्वेशन नंबर 3
और इक्वेशन नंबर टू का इंटरसेक्शन है। इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन नंबर टू और थ्री को आप कैलकुलेटर पे डायरेक्टली पुट कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू। एक्स वन इज इक्वल टू 12 एंड एक्स टू इज इक्वल टू 4। तो दिस यू कैन डू बाय योर कैलकुलेटर, नहीं है तो भी आप आसान से दो इक्वेशन, आप दो अननोन है, दो इक्वेशन है, आराम से आप अननोन निकाल सकते हो। नो जब आप 12 और 4 आपने पुट किया इनटू द ऑब्जेक्टिव फंक्शन 600x1 प्लस 400x2, यू विल गेट द आंसर जेड इज इक्वल टू 8800। तो यू कैन सी जो तीन कॉर्नर पॉइंट्स थे, इन तीनों ही कॉर्नर पॉइंट्स में जो मिनिमम वैल्यू आपको मिली थी, ऑब्जेक्टिव का क्या था हमारा, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। ऑब्जेक्टिव था हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज करना था, ऑपरेटिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना था। तो हम मिनिमम वैल्यू ही सेलेक्ट करेंगे, तो जेड मिनिमम इज इक्वल टू 8800। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नाउ वेरी मेन कंसेप्ट इज दैट अगर इसी क्वेश्चन हमारा, अगर यही क्वेश्चन हमारा मिनिमाइजेशन का ना होके अगर यही क्वेश्चन हमारा मैक्सिमाइजेशन का होता, सपोज एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं, अगर ये क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होता, अभी तो हमें जो x1 और x2 चाहिए होते, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, अभी तो हमें x1 और x2 जो चाहिए थे वो हमें कम से कम चाहिए होते ताकि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। अगर ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं, अगर यही क्वेश्चन अगर मैक्सिमाइजेशन का होता, क्या पॉसिबल था कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल देते? नहीं, ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन के केस में x1 और x2 की आपको हायर वैल्यू चाहिए होती, हायर वैल्यू आपको x1 और x2 की चाहिए होती, तो उस केस में हायर वैल्यू तो इन्फाइनाइट पे जाके मिलती, तो उस केस में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप नहीं निकाल पाते, ये इनफीजिबल सॉल्यूशन हो जाता। बट क्योंकि ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आपने जो कॉर्नर, अच्छा एक कॉर्नर पॉइंट से ये आप सोच रहे होगे ये भी है, ये नहीं है कॉर्नर पॉइंट, चौथा जो कॉर्नर पॉइंट है वो इन्फाइनाइट पे जाके है, तो इन्फाइनाइट पे तो निकाल ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये कॉर्नर पॉइंट्स मिनिमम उस पे थे, मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, इसलिए हमने इन तीन कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक कर लिया और हमारा मिनिमम आंसर आ गया 8800। मतलब अगर हम ये सॉल्यूशन हम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा केवल 8800 रुपये का ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा आएगा। अगर वो मैन्युफैक्चरर अगर सोचेगा कि 22 दिन में लुधियाना वाला प्लांट चला लूँ और ये वाला प्लांट बंद कर दूँ मोहनगर वाला, तो उसके दिमाग में तो रहेगा कि भाई ऑपरेटिंग कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर वो साइंटिफिक वे में नहीं चल रहा है, अगर वो डिसीजन अपने हिसाब से ले रहा है, तो देखो उससे कितना नुकसान हो जाएगा। अगर वो सोच रहा है एक प्लांट में बंद कर दूँ दूसरा प्लांट चला दूँ तो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट बच जाएगी, लेकिन नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। If you see this concept, if this see this optimization technique, you will come to know there is a optimization way to minimize the cost. ठीक है, तो this is the importance of this subject, operation research. तो कहीं ना कहीं हमने दिमाग लगा के कुछ ना कुछ पैसा बचा लिया। कितना पैसा बचा लिया? 13200 में से 8800 माइनस कर दो, इतना पैसा हमने कम से कम कंपनी वालों का बचा लिया, और कोई भी एक्स्ट्रा मशीन भी नहीं खरीदी, एक्स्ट्रा मैन पावर भी ऐड नहीं करी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय सम टेक्निक। ठीक है, तो ये तो केस हो गया हमारा, इसकी थ्योरी देख लेते हैं। ग्राफिकल मेथड, प्लॉट द कंस्ट्रेंट ऑन द ग्राफ, प्लॉट ऑल्सो द नॉन नेगेटिविटी कंडीशन, आइडेंटिफाई द फिजिबल रीजन, ये हमने कर लिया। कॉर्नर पॉइंट एवेल्युएट के लिए उसको एवेल्युएट भी कर लिया। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं वो मैक्सिमम भी हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं, तो ये सिंपल हो गई थ्योरी। जो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो मैक्सिमम वाला जेड हम सेलेक्ट कर लेंगे आंसर में, मिनिमाइजेशन का है तो मिनिमम वाला जेड सेलेक्ट कर लेंगे हम आंसर में। तो दिस इज द केस ऑफ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो अभी तक मैंने जो दोनों न्यूमेरिकल करे यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के थे। नेक्स्ट केस इज मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब है एक ही आंसर है, एक्स वन और एक्स टू का एक ही आंसर है। मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आंसर है तो उसके पास ऑप्शन है, कंपनी वाले के पास या कंपनी के मालिक के पास ऑप्शन है कि वो दो या तीन अवेलेबल ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन चूज करे। जितने भी अवेलेबल ऑप्शन है सभी की केस में जेड की वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो वी कैन स्टार्ट द प्रॉब्लम।
So we can start the problem. See this problem. You can see this problem. I will discuss the problem in detail in the next lecture. This problem, problem asaan hai, dekho. A firm uses lathe milling machine, grinding machine to operate two machine. ठीक है, टू मशीन पार्ट बनाने, दो प्रोडक्ट बनाने, लेट अस से प्रोडक्ट P1 और P2 बनाने. P1 बनाने में, प्रोडक्ट वन पार्ट वन बनाने में लेथ मशीन, मिलिंग और ग्राइंडिंग तीनों की जरूरत पड़ रही है, 12, 14 और 2 मिनट रिस्पेक्टिवली. पार्ट नंबर टू को बनाने के लिए हमें लेथ, मिलिंग और ग्राइंडिंग तीनों की जरूरत पड़ रही है. प्रॉफिट जो हो रहा है पार्ट नंबर वन में, एक पार्ट को बेचने में 40 रुपये का हो रहा है, और पार्ट टू के एक पार्ट को बेचने में 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है. तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है. तो प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमाइज करना है. प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट जो मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज थोड़ा करेंगे, मैक्सिमाइज करना है जेड. सी X1 और X2 हमने मान लिया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट वन एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पार्ट टू रिस्पेक्टिवली. मैक्सिमाइज करना है हमें प्रॉफिट, 40X1 प्लस 100X2, इतने रुपए का फायदा हो रहा है हमें प्रोडक्ट नंबर 1 और 2 में. टाइम अवेलेबल ऑन लेथ मशीन 12X1. सी लेथ मशीन का अवेलेबल आवर्स दे रखा है 3000 मिनट. तो हम कितने भी प्रोडक्ट बनाएं, X1 हम 100 बनाएं या 20 बनाएं, 25 बनाएं, 50 बनाएं, जितने भी प्रोडक्ट बनाएं, उन प्रोडक्ट का जो अवेलेबल टाइम ऑन लेथ मशीन है, चाहे वो X1 लगे या X2 लेकिन 3000 से ऊपर एक्सीड नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेथ मशीन 3000 मिनट ही चलती है. पर भी एक हफ्ते की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, एक हफ्ते में केवल 3000 घंटे ही चलती है. तो यहाँ इस तरीके से प्रॉब्लम फॉर्मेट हो जाएगी. इसी तरह की मिलिंग मशीन में 4X1 प्लस 10X2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2000. 2X1 प्लस 3X2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 900. तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर ली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. अगेन ये पहला स्टेप हो गया हमारा प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. सेकंड स्टेप पे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बाय द ग्राफिकल मेथड. तो सेकंड स्टेप में हम कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से, वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर. सिमिलरली वी विल सी द कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट्स देख लेंगे. अच्छा, एक चीज जो मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया, what is graphical method actually run, graphical method actually you just assume you have a graph paper. अगर आपके पास है, आपके पास calculator नहीं है, तो आप ये problem कैसे करोगे. पिछला वाला problem देख लेते हैं. यहाँ पर ये एक iso profit line आपको दिख रही है. इस profit, इस line को मैं और बता देता हूँ. मैं see objective function में if I see 600x1 प्लस 400x2 इफ आई पुट इज इक्वल टू 0, इसको अगर मैं 0 पुट कर दूं, तो x1 और x2 ये हमारी इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू mx की फॉर्म में आ जाएगी. ये इक्वेशन जो है वो y इक्वल टू mx के फॉर्म में आ जाएगी एंड दिस इक्वेशन विल पास थ्रू ओरिजिन. तो ये जो इक्वेशन जो आप x1 और x2 के रख के देखना पॉइंट्स, दिस will pass through the origin. This line is nothing but the objective function line. ये objective function line है, ठीक है. Just assuming that you are doing this all the exercise at the graph paper very accurately. बहुत scale से आप scale लेके आप कर रहे हो. तो सबसे पहले आपने objective function की line draw कर ली, equation number 1, 2, 3 की line draw कर ली. अब करना क्या है, अब यहाँ पर एक set square लेना है आपको, set square और scale लेना है, और उसकी help से इस line को parallel move कराना है. कहाँ मूव कराना है, टुवर्ड्स द फिजिबल रीजन. फिजिबल रीजन जो है आपका, ये आपका फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन की तरफ आपको मूव कराना है. अगर ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो ये फिजिबल रीजन पे एंट्री करते समय ये लाइन जहाँ पर टकराएगी, दिस इज आवर सॉल्यूशन. आपको बाकी के कॉर्नर पॉइंट्स पर निकालने की जरूरत नहीं है, समझ गए मेरी बात. अगर ये फिजिबल रीजन पे ये लाइन जो है टकर, अगर ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो पहला पॉइंट जहाँ पर ये लाइन टकरा रही है, ये हमारा आंसर हो गया इन केस ऑफ यूनिक ऑप्टिमल
सॉल्यूशन। इसी तरीके से पिछले वाले अगर क्वेश्चन में हम देखेंगे, अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, देयर इज अ ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन मिनिमाइजेशन ऑफ 20x1 प्लस 10x2, इसको हम ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद इट विल बी लाइक यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन इस तरीके से आ जाएगी और इसको पैरेलल मूव करेंगे, डेफिनेटली इट विल एंटर एट द डी। सबसे पहले ये डी पे एंटर करेगी। वी कैन सी सम मोर क्वेश्चंस आल्सो, तो दिस इज क्वेश्चन, एक मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करके देखना आप लोग। जस्ट अ मिनट, इन अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन आल्सो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन है, तो लेट अस से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन इस तरीके से बन रही है, तो ये क्वेश्चन है आपका मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन में जब इसे आप पैरेलली मूव करोगे तो ये फिजिबल रीजन को जहाँ आखिरी पॉइंट पे जहाँ टकराते हुए निकल जा रहा है, दैट विल बी अवर आंसर। हमें कोई भी कॉर्नर पॉइंट्स की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दिस थिंग इज ऑल्सो रिटन इन द नोट्स, हैंड रिटन नोट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ लिखी है। स्टेप नंबर फाइव और स्टेप नंबर सिक्स को आप पढ़ के देखना। असाइन द आर्बिट्री वैल्यू से जीरो फॉर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन विद द आर्बिट्री वैल्यू, सेलेक्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन लाइन टिल द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। ठीक है, इन द मैक्सिमाइजेशन दिस लाइन विल स्टॉप फार्देस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी फिजिबल रीजन से सबसे बाद में छोड़ते हुए जा रही होगी वहाँ पर हिट करेगी, और इन द मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम जहाँ पर फिजिबल रीजन में जहाँ एंट्री कर रही होगी वहाँ पर वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। ग्राफिकल मेथड में हमें कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं है, हम एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन की लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं जो कि ओरिजिन से जा रही है और उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स द फिजिबल रीजन। ठीक है, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है। तो इन दिस नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।